एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि बिंदु P 3-5 बिंदुओं -2-3 तथा एक्स वाई को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 को विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो बिंदु है A और B और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बिंदु लेंगे A और B। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक के -2-3 और एक्स वाई, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को जो बिंदु P है 3-5 4:7 में अंतः विभाजित कर रहा है ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को, तो आपको यहाँ पर बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अंतः विभाजन कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन सूत्र क्या है, x बराबर m1x2+m2x1/m1+m2 और y बराबर m1/2+m2/1/m1+m2। तो यहाँ पर ये है हमारा x1 y1, ये है x2 y2 और ये जो बिंदु बीच में होता है इसको हम क्या मानते हैं, x और y। ठीक है, जो अनुपात दिया हुआ होता है वो होता है m1 और m2। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। अब हम अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो अंतः विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1x2+m2x1/m1+m। ठीक है, इसी तरह से y बराबर m1y2+m2y1/m1+m2। ठीक है, अब यहां मान रखेंगे x की जगह 3, m1 की जगह पर 4, x2 की जगह पर x2 ही रहेगा प्लस m2 की जगह पर 7, x1 की जगह लिखेंगे -2/m1+m2। इसी तरह से y की जगह हम लिखेंगे 5, m1 की जगह लिखेंगे 4, y2 की जगह पर y2 ही रहेगा, m2 की जगह हम लिखेंगे 7 और y1 की जगह लिखेंगे 3/m1+m2। ठीक है, अब क्या करना है, जो गुणा हो रहे हैं उनको गुणा करना है, जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर देंगे। तो 3 बराबर 4 × x2 करेंगे तो 4x2+(-7×14)/7+4 करेंगे तो 11। इधर 5 बराबर 4 × y2 सात दिया 21 तो प्लस में आ जाएगा 21/4+7=11। ठीक है, यहां तक करने के बाद से आपको क्या करना है, इस 11 का गुणा करेंगे हम 3 से और यहां पर भी इस 11 का गुणा करेंगे किससे, 5 से। तो अब गुणा करेंगे हम यहां पर 11 × 33 = 4x2-14। फिर दूसरे वाले में 11 × 55 = 4/2+21। ठीक है, अब क्या करना है, जो प्लस माइनस हो रहा है उनको हम जोड़ देंगे यहां पर। क्या करना है, माइनस है तो प्लस, 33+14=4x2 और इधर 55 प्लस का इधर आएगा तो -21=4y2। अब 33+14 करेंगे 3 × 4 = 47 = 4x2 x2 = 47/4 और इस तरह से 55 − 21 करेंगे तो 3 और यहां पर आएगा 4 = 4y2 y2 = 34/4 2×2=4 2×2=2 2×2=14 तो y2 = 17/4।
दो, तो अतः बिंदु बी के निर्देशांक 47/4 17/2 होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कर लाइन नमस्कार है। बिंदु 11, 9 तथा 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शब्द आ रहा है समत्रिभाजित, मतलब कि तीन बराबर भागों में बांटना है आपको रेखाखंड ए बी। तो सबसे पहले हम सूत्र बनाएंगे, एक रेखाखंड ए बी लेना है, ए के निर्देशांक है 11, 9 और बी के निर्देशांक है 1 और 2। ठीक है, दो बिंदु है ए और बी, 11, 9 और 1। ठीक है, अब इस रेखाखंड के तीन भाग करने हैं, तो तीन भाग करने के लिए हमको इस रेखाखंड ए बी के ऊपर कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। तो ये 2 बिंदु लेने से इस रेखाखंड के 3 बराबर बराबर भाग हो गए। तो पहले वाले बिंदु को हम मान लेते हैं सी और दूसरे वाले बिंदु को मान लेते हैं हम डी। ठीक है, ये पहला वाला निर्देशांक होगा x1 y1 और दूसरा निर्देशांक होगा x2 और y। ठीक है, अब समत्रिभाजित करने के लिए जो अनुपात चाहिए हमें, सी के ऊपर इधर है 1 भाग और इधर है 2 भाग, तो यहाँ पर हम 1/2 लेंगे। जब हम सी ज्ञात करेंगे अनुपात को हम क्या मानेंगे, m1 और m2। अंतर विभाजक सूत्र लगाएंगे, x=m1x2+m2x1/m1+m2, फिर y=m1y2+m2y1/m1+m2। ठीक है, अब क्या करना है, मान रखना है x1 x2 m1 m2। x की जगह x रहेगा, m1 की जगह हम लिखेंगे 1, x2 की जगह पर भी 1, m2 की जगह पर 2, x1 की जगह पर 11/m1+m2। फिर इस तरह से फिर 2 एकम 2 11 11 बटावा
तीन, फिर वाई बराबर दो दूनी चार प्लस हमारे पास दो बटावा तीन, तो वाई बराबर तेरह बटावा तीन। अतः डी के निर्देशांक क्रमशः तेरह बटावा तीन, तेरह बटावा तीन हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये सम त्रिभाजक शब्द आए तो आपको सवाल करने के लिए दो बिंदु लेने पड़ेंगे और उन दोनों बिंदुओं के आपको निर्देशांक याद करना है। ठीक है, सवाल नंबर 10, बिंदुओं माइनस चार जीरो और जीरो छह को मिलाने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। अब आपको नवे सवाल में क्या करना था, तीन बराबर भाग करने थे तो उसके लिए अपने दो बिंदु लिए। अब आपको क्या करना है, चार बराबर भागों में बांटना है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, दो बिंदु ले लिए हमने ए और बी, ए के निर्देशांक हम ले लेते हैं माइनस चार और जीरो और बी के निर्देशांक हम ले लेते हैं जीरो और छह। इस रेखाखंड को चार भागों में बांटना है तो हम चार बराबर भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु लेंगे, तीन बिंदु, एक दो तीन चार, चार भागों में। तो ये ए और बी के हम तीन बिंदुओं को हम नाम देते हैं सी डी और ई। हमें इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं। अब अभी जो मैंने सवाल बताया उसमें क्या करना था कि पहला वाला भाग लिया, इधर एक भाग है उधर दो भाग है तो एक अनुपात दो ले लिया। तो यहाँ पर भी वही तरीका करने का, सी बिंदु जब लेंगे तो इधर एक भाग है इधर तीन भाग है तो एक अनुपात तीन, जब हम डी लेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा दो अनुपात दो, जब हम बिंदु ई लेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा तीन अनुपात एक। इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है कि जब हम बिंदु डी देखें तो डी के इधर भी दो भाग है और इधर भी दो भाग है, मतलब अनुपात कितना दो अनुपात दो। इसका मतलब कि बिंदु डी क्या है, मध्य बिंदु है, इसका ए और बी का मध्य बिंदु है बिंदु डी। तो हम यहाँ पर अंतर विभाजक सूत्र नहीं लगाए, मध्य बिंदु सूत्र भी लगाएंगे तो भी ये सवाल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस सवाल को मध्य बिंदु सूत्र से कर रही हूँ। तो मैंने मान लिया बिंदु बी के निर्देशांक एक्स और वाई, डी के निर्देशांक को ये है हमारा एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू और वाई। ठीक है, पहले अपन नंबर वन डाल रहे हैं डी के निर्देशांक सूत्र कौन सा लगाया है, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से हम याद कर रहे हैं x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटावा 2। x1 प्लस x2 माइनस 4 प्लस 0 बटावा 2 और y के लिए 0 प्लस 6 बटावा 2। ठीक है, माइनस चार प्लस जीरो बराबर कितना होता है, माइनस चार, तो x बराबर माइनस चार बटावा 2 और y बराबर 6 बटावा 2। डिवाइड करेंगे x बराबर माइनस 2 और y बराबर 2 दिया 6, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो इसलिए हमको यहां से बिंदु D के निर्देशांक मिले, हमें बिंदु D के निर्देशांक मिलते जो D लिखा और x का मान है हमारा माइनस 2 और y का मान 3। तो ये एक आंसर आ गया, इसको ऐसे बॉक्स में बंद करके लिख दूं, एक आंसर हमारा आ गया बिंदु D के निर्देशांक आ गया। ठीक है, अब हम याद करेंगे बिंदु E के निर्देशांक।
जैसा मैंने सी और डी के लिए किया है वैसे अब ई के लिए भी अब हम जब ई याद करेंगे तो ये हमारा एक्स वन और वाई वन होगा और ये होगा एक्स टू और वाई वन। ठीक है, तो ई के निर्देशांक याद कर रहे हैं हम एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन की जगह है माइनस दो, एक्स टू की जगह पर है जीरो बटा तरह से y के लिए y1 y1 है 3 और y2 है 6 बटा 2। ठीक है, x बराबर माइनस 2 बटा 2 तो माइनस 2 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 1 और y बराबर 6 और 3 9 बटा 2 अतः e के निर्देशांक माइनस 1 और 9 बटा 2। ये हमारा तीसरा।